हो सकता है, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टीगत वो बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है। और हमारी पार्टी हर धर्म के लोगों को, हर धर्म को मानने को मानती है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है या चर्चा का विषय बना हुआ है बिहार के सियासी गलियारों में। अब इस खबर को लेकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की प्रतिक्रिया सामने आई है, काफी खुशी जाहिर करते हुए नजर आए और कहा कि अगर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा रहा है तो यह काफी खुशी की बात है। हम तो चाहते हैं कि बिहार में ही सभी को सभी पद मिल जाए। इसी के साथ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया फतेह बहादुर को लेकर कि फतेह बहादुर ने कल एक पोस्टर जारी किया था और उस पोस्टर के माध्यम से टीका टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे धर्म को लेकर, तो उन्होंने कहा कि यह जो प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है, पार्टी की प्रतिक्रिया नहीं है। हम लोग सनातन धर्म के साथ साथ सभी धर्म पर विश्वास रखने वाले आदमी हैं। इसी के साथ वो यह भी कहते हुए नजर आए कि हम लोगों की जो पार्टी है वो धर्म निरपेक्ष की पार्टी है। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टीगत वो बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है। और हमारी पार्टी हर धर्म के लोगों को, हर धर्म को मानने को मानती है। अरे सब चलिए की बात है, संयोजक बनाया जाए तो बहुत खुशी की बात है। ये इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन हम तो चाहेंगे कि बिहार को हर पद मिले, बिहार को ही लगता है देना चाहिए। नहीं, हम लगता नहीं, हम बनाना चाहिए और हमको लगता है बनाएंगे निश्चित। सवाल है कौन क्या बोलता है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमारी पार्टी सनातन धर्म को मानती है, हर धर्म को मानती है। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के व्यक्ति हैं, हमारे लिए सब धर्म बराबर है। अगर कोई कटाक्ष करता है उनका व्यक्तिगत भावना हो सकता है, ये पार्टी का भावना नहीं है। पार्टी हमेशा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के, हर धर्म के लोगों को लेकर चलती है और हर धर्म पर विश्वास और भरोसा हम लोग पर है। सर्कल इंडिया अलायंस की आरजेडी विधायक फतेह बहादुर को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कौन क्या बोलता है उससे हमारी पार्टी कोई मतलब नहीं रखती है, ये उनका व्यक्तिगत भावना है, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है, नहीं कि पार्टीगत प्रतिक्रिया थी। इसी के साथ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्म में विश्वास रखती है, सनातन के साथ साथ हम लोग सभी धर्म में विश्वास रखने वाले आदमी है। इसी के साथ नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे और किस तरीके से खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, सुना आपने। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही, तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।